जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो, धन हो, संपदा हो, हर एक विषय पर चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खराबी बन ही रही है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि इस खराबी से, इस परेशानी से बहुत जल्द हम बाहर आए, लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज आपको कुछ आपके बारे में विशेष रूप से जानना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में यह स्थिति, परेशानी खड़ी कर रहे हैं। परेशानी को पहले आप एक बार ऑब्जर्वेशन करें कि क्या आपके घर में कोई शांत होने के बाद इस तरह की परेशानी है। दूसरा संकेत होता है कि कुछ 6 महीनों से या एक टाइम अवधि से चीज़ें खराब हो रही है। तीसरा ये कि बहुत सालों से हम बस परेशानी चल रहे हैं। और चौथे वो लोग जिन लोगों को कुछ समय से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से चीज़ें खराब हो रही है, या वो इंडिविजुअल सब चीज़ें तो बेहतर है, लेकिन कोई एक विंग या कोई भी लाइफ की एक जो परेशानी है बस वहीं तक, उसे वो सही नहीं कर पा रहे। तो इन 5ों स्थिति में से किसी भी परिस्थिति में आप अपनी लाइफ में हैं तो ये वीडियो यहाँ से आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई तकलीफ नहीं भी है तो इस वीडियो को देखकर, समझकर, अगर आपके कोई जानने पहचानने वाले या कोई आपके खास व्यक्ति किसी परेशानी या बाधा में, तब भी आप उन्हें ये चीज़ें साझा करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि उनके लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और उसके बारे में आप खुद महसूस करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आए, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको एक करना है, वस्त्र दान करना है और चप्पल दान करना है। वस्त्र और चप्पल दान करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जातकों की कुंडली में इस कलयुग में शनि संबंधित पीड़ाएं और बाधाएं ही हैं, और शनि और संबंधित जितनी सारी पीड़ाएं बाधाएं का तुरंत अगर हल चाहते तो वस्त्र दान करें और चप्पल दान करें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। जैसे आप ये डोनेट करेंगे, आने वाले 7 दिनों में, 4 दिनों में आपकी लाइफ में आपको खुद परिवर्तन महसूस होगा। दूसरा है कि आप जो भी किसी भी घर के आसपास अपने कोई महानदी हो, कोई बड़ी नदी हो, जहाँ स्नान आप अमावस्या और पूर्णिमा करने नहीं जाते हैं, तो जाना शुरू करें। अमावस्या और पूर्णिमा को जो भी आपके घर के आसपास बड़ी नदी है, देव दर्शन करें, क्योंकि उससे पितरों को शांति मिलती है। और जहाँ पितर जिसके भी शांत रहेंगे, उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर परेशानियाँ नहीं आएगी। और तीसरा और महत्वपूर्ण सबसे बड़ा गुरु रहस्य, गुरु मंत्र का होना। बहुत से जातकों के पास गुरु मंत्र है ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में आप ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र माने, भगवान शिव को अपने गुरु माने और ओम नमः शिवाय का जाप आप नियमित करें। जब आप ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, ऐसी परेशानियों से आप बाहर आ रहे हैं और आपके जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान लगेगा और आपको सफलता मिलेगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।